वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन किचन स्टोरीज। तो आज का व्लॉग होने वाला है बकरीद व्लॉग, जिसमें कि हम आपको दिखा रहे हैं ये बकरे। ये हमारे घर में आए हुए थे बकरे, हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले आए थे। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाला था, तो इसलिए आज हम डाल रहे हैं। और ये इसमें तीनों ईद हैं और ये ईद का फर्स्ट डे है, जिसमें कि हम आपको सेवई दिखा रहे हैं कि मामी सेवई बनाई मेरी अम्मी ने, और बनाई मेरी अम्मी ने शीर खुरमा। सुबह सुबह ही बना लिया था, अम्मी जल्दी उठ के सारे काम कर लेती हैं, हम तो नहीं बनाते, अम्मी बनाती हैं। और सेवई बनाने के बाद भी सारे काम होते हैं, और बकरा ईद में तो कुछ एक्स्ट्रा ही काम होते हैं। हर चीज़ में सफाई भी होती है और गोश्त को स्टोर भी करना होता है। बकरा ईद में बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं हमें। यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुछ मोमोज़ की पिक्स जो हमने बनाई हुई थी, जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाए, कोई रीज़न था इसलिए नहीं बना पाए। और यह है ईद डे 2 का नाश्ता। गोश्त देख देख कर खा कर नहीं, सिर्फ देख देख कर इतना जी भर गया था कि हम ब्रेकफास्ट में मैगी खा रहे हैं। मैगी तो ऑल टाइम फेवरेट होती है सबकी, हमारी भी है, हमारे भाई की भी है। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है हमारे यहाँ। पहले दिन भी कुर्बानी हुई थी, दूसरे दिन भी कुर्बानी हुई थी, और तीसरे दिन भी कुर्बानी हुई थी। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है, जिसमें कि हम कुछ मटन चॉप्स तल रहे फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें गोल वाले कबाब बनाएंगे, वो भी हम फ्राई करेंगे। आज का डे है फ्राइडे, और फ्राइडे, और ये जो हम गोल वाले कबाब बनाते हैं उसमें हम भुंजा हुआ बेसन डालते हैं। भुंजा हुआ इसलिए क्योंकि उसमें कच्चेपन की महक ना आए, इस वजह से हम उसमें भुंजा हुआ डालते हैं। उसे थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं, कुछ नहीं पड़ता, घी नहीं पड़ता, तेल नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। उसके बाद हमने बस हरा धनिया, हरा मिर्चा लेना है, और फिर वो गोश्त डालना है। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी का रूखा लें, चिकना लें, हमने मिक्स लिया हुआ है। गोश्त का कीमा हमने मशीन में बनाया हुआ था, यहाँ पर हमने मिक्स वैरायटी का कीमा लिया हुआ है जो कि हमने मिक्सर में बनाया था। उसके बाद हम उस कीमे में नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद में जो हमने बेसन रोस्ट करके रखा हुआ था उसे हम उसमें डालेंगे। बेसन हम क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे, जितना पहले हम मिलाएंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम डालेंगे। बेसन से कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है, बेसन सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। और बेसन जितना हो सके, अगर कम में बाइंड हो रहा है तो हमें ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसन से फिर कीमे का जो रियल टेस्ट होता है वो छुप जाता है, बेसन ओवर पावर करता है फिर। इसके बाद हमने ये अपने हैंड चॉपर से जो प्याज जो चॉप की हुई थी, प्याज भी हम टू टेस्ट ही लेंगे, जितनी हमें चाहिए होगी। अगर किसी को ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालते हैं, किसी कम पसंद है वो कम डालते हैं। हमने यहाँ पर मीडियम तरह से डाली हुई। उसके बाद हमने अपने हाथ अच्छे से वॉश किए हुए थे, उसके बाद हम उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हमको जो है बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम लगी हुई थी, तो जो बचा हुआ बेसन था वो हमने डाल दिया। बहुत से लोग इसमें एग यूज़ करते हैं, लेकिन हम एग यूज़ नहीं करते हैं, वो उतना हमें टेस्टी नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने उसके बॉल्स बना लिए थे, और यहाँ पर हम मटन चॉप्स फ्राई कर रहे हैं जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे। मटन चॉप्स हमने पहले उबाल लिए थे, कुकर में उबाले थे ताकि ये जल्दी से उबल जाए। नमक और गार्लिक पेस्ट डाला हुआ था बस, और कुछ भी नहीं डाला था। उसके बाद हमने उसको मैरिनेट किया, मैरिनेट हमने उसको चिकन तंदूरी मसाले से किया हुआ था, और मिर्ची जितनी चाहिए उतनी डाली, और विनेगर डाला हुआ था। बस 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया क्योंकि गोश्त गला हुआ था। उसके बाद हमने उसे फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद में यहाँ पे मेरे 2 पोर्शन थे, पहला पोर्शन हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा पोर्शन भी डाल देंगे। दूसरा पोर्शन जब हम डाल देंगे तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे फ्राई करने में। यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे, तब तक के जब ये फ्राई होंगे हम उस कीमे के बॉल्स बना लेंगे। ये है कुछ फ़ोटोज़ जो हमने बनाई हुई थी, हम इसे अच्छे से सर्व नहीं किया, लेकिन बस जैसे तैसे बनाया और वीडियो बना ली। यहाँ पर हमने उस कीमे के बॉल्स बनाए और फिर डाल दिए। शुरुआत में तो हमने थोड़े बड़े बॉल्स डाले हुए थे, लेकिन फिर हमने उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया। बड़े बॉल्स क्या होते हैं, वो क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं, वो सॉफ्ट रहते हैं। जिन्हें सॉफ्ट खाना हो वो बड़े बॉल्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर जिन्हें क्रिस्पी पसंद हो वो जितने छोटे बॉल्स बनाएं उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। फ्राई करने में क्या, मेरी तो ये जो कढ़ाई थी ये इतनी मोटी थी कि सही से हो नहीं रहा था, लेकिन इसको इसलिए हमने हाई किया। बाकी अगर किसी की
हल्की कढ़ाई है तो वो वैसे फ्राई कर लें। यहाँ पर हम रात का समय है और कॉफ़ी पियेंगे और दूसरे दिन को विदा करेंगे। और ये है तीसरी ईद का वक्त, जहाँ पर जो है हमने सीख कबाब बनाए हुए थे। सीख कबाब अम्मी ने बनाए थे और हम यहाँ पर बिरयानी बनाते। ब्रेकफास्ट किसी ने भी नहीं किया था, बस ये हो रहा था कि अब बस बिरयानी खानी है, क्योंकि बकरीद से लेकर अब तक हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं था कि ना रोटी के साथ ना चावल के साथ। पहले दिन बस कलेजी बनी हुई थी और इसीलिए हमने बिरयानी बनाई। मेरे भाई की स्पेशल फरमाइश पे बिरयानी बनाएंगे हम। दम वाली बिरयानी थी, मटन की बनाई हुई थी। ब्रेकफास्ट किसी ने किया नहीं था, इसलिए कम से कम इसे बनने में भी, तब भी आज हमारी मेड नहीं आई थी तो सफाई में और सब में इतना वक्त हो गया कि तब भी इसका लंच टाइम हो गया था। ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं किया और लंच में ही जो खाया सब ने वो खाया। उसके बाद हमारी बिरयानी है जो कि हम अपने रूम में खा रहे हैं। रूम में इसलिए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, आजकल कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, जबकि बारिश भी होती है फिर भी गर्मी हुआ करती है। और ये है हमारे वो सेक कबाब, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। दूसरे दिन तो हमने काफ़ी फ्राई करके खाया हुआ था, पर पहले दिन बिल्कुल भी ऑयल नहीं था जो कि हमने खाया हुआ था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।